ये देखो ये इतनी अमेजिंग कास्ट एंड क्रू है कि ये सेम लोग अगर हो ना, ये सेम कास्ट एंड क्रू, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। जब एंड की खबर आती है तो वो खबर थोड़ी सी डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो ही जाती है। ये वो सिंगिंग वाले ग्रुप में था तो हम लोग हाँ कॉयर में था तो हम लोग इंडिपेंडेंस के गाने गाते थे सुबह 7 से लेकर दोपहर को 10 बजे तक। इंडिपेंडेंस डे 75th इंडिपेंडेंस डे। सो फर्स्टली वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। देखा जा रहा है यहाँ पे खुशी का माहौल है, पर जाते जाते आप ऑडियंस को रुला रहे हो, क्या बोलना चाहोगे? कैसे बोल सकते हैं, हम लोग खुद भी तो थोड़ा बहुत रो ही रहे हैं। हमारी आंखों में आंसू नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, पर आपके आंखों में आंसू आएंगे उसके लिए हम सॉरी भी कहते हैं। ऑडियंस की डिमांड है कि पार्ट टू भी आनी चाहिए, या फिर क्या बोलना चाहेंगे सीजन टू को लेकर? या वाओ, ये देखो इतनी अमेजिंग कास्ट एंड क्रू है कि ये सेम लोग अगर हो ना, ये सेम कास्ट एंड क्रू, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी और हम लोग डेफिनेटली कहानी बनाना चाहेंगे। प्लीज वो कहानी हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे, हम उसको आपको पसंद आए वैसा बनाएंगे, डोंट वरी। ओके, जब आपको पता चला था कि ऑफ एयर होने वाला है या फिर ऐसा कुछ न्यूज़ मिला, तो क्या कुछ आपका फर्स्ट रिएक्शन था आप दोनों का? फर्स्ट रिएक्शन तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग, डेफिनेटली थोड़ा सा इमोशनल। ऑब्वियसली जब कुछ शुरू होता है वो डेफिनेटली एंड होता है, पर जब एंड की खबर आती है तो वो खबर थोड़ी सी डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो ही जाती है। पर इस बात को थोड़ा सा वक्त हुआ, हमें एक्सटेंशन मिला, तो वो अब अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो चुकी है। वी आर इन अ गुड स्पेस। यस, वी आर, वी हैव मेड पीस। चलो सभी कलाकारों को बुला लो। इंडिपेंडेंस डे भी है कल, किस तरीके से सेलिब्रेशन होने वाला है? कल तो शूट करने में अच्छा लास्ट डे, आपने आज बोला है ना तो नहीं बोल सकते, पर टेक्निकली हमारा लास्ट डे नहीं है। आ जाओ। तो किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे आप बचपन में सेलिब्रेट करते थे आप दोनों? हम लोग इंडिपेंडेंस के गाने गाते थे सुबह 7 से लेकर दोपहर को 10 बजे तक, बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। क्या बता रहे थे आप, कौन सा सॉन्ग गाते थे, कोई ऑडियंस को बताना चाहोगे? बहुत सारे, आई थिंक इट्स अ स्टैंडर्ड एआर रहमान का वंदे मातरम तो हर जगह पे होता ही है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन, हम लोग वो गाया करते थे हमेशा। हां, या वी यूज्ड टू सेम, हमारे स्कूल में भी वही होता था, पर तू सिंगिंग ग्रुप में हुआ करते थे, मैं डांस ग्रुप में हुआ करता। जिस तरीके से एक्साइटमेंट देखी, अब क्या कुछ मिस करते हो, ये सब चीजें मिस करते हो आप स्कूल डेज का, जिस तरीके से सेलिब्रेट करते थे ये सब चीजें? स्कूल तो हर कोई डेफिनेटली हमेशा मिस करता है। फेज होता है जो हमारी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा सा स्पेशल फेज होता है, वो हम हमेशा ही मिस करेंगे। पर जैसे ही हम बड़े होते हैं अलग अलग तरीके की सिचुएशंस हमारे सामने आती है और उसे भी हम उतना ही एंजॉय करते हैं। ओके, लास्टली इंडिपेंडेंस डे विश फैंस के। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75th यस इंडिपेंडेंस डे। सड़कों को साफ रखिए जी, है ना, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सब चीजों में। यस, और देश हमारा है, कुछ भी आपको कंप्लेन हो तो उसको खुद सुधारो, खुद उस पे वर्क करो, है ना, rather than grieving about it all the time। yes